क्या लग रहा है सदन के बाहर? भाई मोबाइल देखिए, कल का जो घटना घटी, हम लोग ने चाहा कि बहस हो, चाहे वो सदस्यों को जो पिटाई हुई थी या माननीय विधायिका जो घीस तीर हुआ था, लेकिन सरकार बहस करने को तैयार नहीं, अध्यक्ष ने परमिशन ही नहीं दिया बहस का। जनसंख्या का सब तरफ देखना पड़ेगा। ऐसा है कि सदन में हम लोग को जनता चुन के क्यों भेजती है? जनता की आवाज़ बनने के लिए, और जनता की आवाज़ ही हम नहीं बोल पाएंगे, सदन में जाने का मतलब नहीं है। जो हम लोगों ने बहस की बात की, चाहे वो सदस्यों को जो पिटाई लगी है उस पर, या जनगणना पे, या सब चीज़ पर, वो सुनने को तैयार ही नहीं है कोई। जब सुनने को तैयार नहीं, तो हम लोग सदन में नहीं जाएंगे, हम लोग बाहरी धरना पर बैठेंगे और यह विरोध दर्ज कराएंगे कि जनता देखे कि सरकार कैसे चल रही है। आर्थिक मंदी आप जान ही रहे हैं, पैसे नहीं है, कोई विकास नहीं हो रहा है, बालू का खनन आप देख रहे हैं, क्या लूट हो रहा है, 3-4 पदाधिकारी पर कार्रवाई की गई। अरे आप अगर जांच करेंगे, जहां जहां बालू खनन है, सारे पदाधिकारी जो वहां पोस्टेड हैं, सब लिप्त हैं, सब पे कार्रवाई करिए। अजीत जी, सत्ता पक्ष कह रही है कि सही मुद्दे पे बहस होती है, फालतू के मुद्दे पे नहीं। सर, विधायकों को पिटाई हुई, इससे बड़ा लोकतंत्र की हत्या क्या हो सकती है? वो इसको मामूली बात समझते हैं। जाँच कमेटी बनी हुई है। जाँच कमेटी क्या होता है? पदाधिकारी का जाँच कमेटी, आचार समिति जाएगा पदाधिकारी का जाँच करने की, मुख्यमंत्री कार्रवाई करेंगे। क्या फुटेज नहीं है उनके पास की पिटाई हुई संतोष मिश्रा जी को? मंत्री जी कह रहे हैं कि इस मामला पूरा स्पीकर के पास है। तब तो कह दे कि सारा पुलिस तंत्र भी स्पीकर के पास है, आपका कोई सुन नहीं रहा है, तो पद पर रहने का कोई मतलब ही नहीं, आप चले जाइए, पद छोड़ दीजिए। यह गलत बात है, माननीय मुख्यमंत्री कंट्रोल में सारा चीज़ है, उनके बिना आदेश का कुछ नहीं। राजभवन मार्च भी कीजिए। अभी आएंगे आदरणीय तेजस्वी यादव, बात करेंगे हम लोग निश्चित तौर पर। जब बात नहीं सुनी जाएगी तो हम लोग को राजभवन जाना है, लेकिन बात करने के बाद बताएंगे।